हेलो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट के 90,000 पदों की भर्ती को लेकर न्यू अपडेट है। रेलवे ने उन कैंडिडेट्स को एक और मौका दिया है जिनका फॉर्म इनवैलिड फोटो की वजह से रिजेक्ट हो गया था। फिलहाल असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP के ऐसे कैंडिडेट्स के लिए सही फोटो अपलोड करने का ऑप्शन रेलवे ने ओपन कर दिया है। अगर आपका भी ALP का फॉर्म गलत फोटो की वजह से रद्द हो गया है तो आप 20 जुलाई तक इसे ठीक कर सकते हैं। जबकि ग्रुप डी यानी लेवल 1 के कैंडिडेट्स के लिए अभी तक यानी 18 जुलाई की रात तक फ़ोटो चेंज करने का ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तमाम वेबसाइट पर यह इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं कि उनका फॉर्म गलत फ़ोटो की वजह से रद्द हो गया है। तो जल्द ही रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट्स को भी अपना फ़ोटो चेंज करने का मौका मिल सकता है। जैसे ही इसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। वैसे आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, अगर इसको लेकर लेटेस्ट कोई अपडेट आता है तो मैं वहाँ डाल दूंगा। दरअसल हाल ही में रेलवे ने ग्रुप डी और ALP भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। आपने भी वहीं से चेक किया होगा अपना फॉर्म। तो इसके लिए टोटल 2,37,00,000 फॉर्म भरे गए थे। तो बताया जा रहा है कि करीब 80 लाख से ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इनमें ज़्यादातर वे हैं जिनका फ़ोटो इनवैलिड था। हालांकि रेलवे ने ऑफिशियली ये नहीं बताया है कि टोटल कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो एक बार बता देते हैं कि फ़ोटो कैसा होना चाहिए ताकि आप फ़ोटो चेंज कर लो। ALP वालों के लिए बता रहा हूँ, ग्रुप डी वाले भी बाद में चेंज कर सकते हैं जैसे ही ओपन होता है उनके लिए यह ऑप्शन। आपका फ़ोटो 1 दिसंबर 2017 या इसके बाद खींचा हुआ होना चाहिए। बैकग्राउंड वाइट या हल्के कलर का होना चाहिए। ALP वालों के लिए फ़ोटो पर इस तरह नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफी लिखा होना चाहिए, जबकि ग्रुप डी वालों के लिए इस तरह वाइट बॉक्स में नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफी लिखा होना चाहिए। तो इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, तुरंत प्रेस करें लाइक बटन। अगले अपडेट के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तब तक के लिए गुड बाय।